फटेगा तो नहीं। अरे शिवम भैया ठीक है, गंगाधर छोले भटूरे भैया के भटूरे खत्म हो रहे हैं कि दर्द खत्म हो रहे हैं? तो राम राम, दिन की शुरुआत सीधा इंस्टीट्यूट से, और जैसा कि पता है कि मैं यहीं से करता हूँ हमेशा डेली का, ठीक है। तो फिलहाल अभी क्या है कि ना, जस्ट मैं आया और मैंने जस्ट ओपन किया, अभी टाइम अराउंड वही 7:30-8 हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा साफ़ सफाई का कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे डेस्क मैंने साफ़ करे थे ऑलमोस्ट, और ये आज थोड़ा सा रिपेयर करवानी, इसको यहाँ पे सेट करवा के कुछ ना कुछ इसका भी जुगाड़ देखूंगा ऑलमोस्ट, क्योंकि काम खत्म करना है, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा सेटअप में डिले हो रहा है, और डिले बस कुछ रीजन से हो रहा है, वो चीज़ बता दूंगा मैं, ठीक है। तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा, किसके साथ शेयर करूँ। तो फिलहाल सब चीज़ों रखते हैं साइड में, और टाइम करते हैं स्टार्ट, लेटने ब्लॉग लास्ट स्टार्ट। हाँ, धोके जस्ट रेडी हो चुका हूँ, ठीक है, और अभी थोड़ा सा प्लान है जाने का मार्केट, तो ऐसा चीज़ें देखता हूँ। और बाकी ये शर्ट थोड़ा सा देखना, बताना, मतलब फीलिंग ऐसे है गोवा टाइप, बीच पे जाके पहनते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, पुरानी शर्ट है भाई, और आज पहन रहा हूँ, लग भी रहा थोड़ा सा होली वाला सीन, तो होली के नेक्स्ट डे कुछ ऐसा होना चाहिए अट्रैक्टिव, तो वह चीज़ है, लुक थोड़ा सा चेंज करने की सोच रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब तो इसी टाइप की ही पहननी पड़ेंगी शर्ट वगैरह ना। तो फिलहाल चलते हैं, पानी नहीं पीते जब तक इसके अंदर से अंदर घुसेगा नहीं, पानी नहीं पीते, मतलब डंडी अंदर जाना चाहिए, ये तो है क्या, लेकिन इसमें तो बस टाच रहता है, फिर भी कुछ तो डंडी चली जाती है, कुछ नहीं जाती, ये बस दबा दो दबा दो, दबा देने पे वो बैलेंस नहीं होता, सीधा जो नीचे का हिस्सा ना, डंडी नीचे चले जाएगा तो बिल्कुल रुकेगा। और तो नहीं इसमें, ओ भाई फटेगा तो नहीं है, फटेगा तो नहीं, ये बैलून 1-1.5 महीना तक रहता है, नहीं मतलब अभी फुला रहे हो, कितना फुला सकते हैं इसको,
अभी भी फूल सकता है लेकिन ज्यादा फुला के करेंगे। देख सकते हो इसके अंदर चार बैलून कर रहे हैं छोटे, ठीक है। और प्रोसेस पूरा देखा था आपने कि कैसे हमने इसके अंदर करवाया था और वर्किंग देखो वो बहुत। ओ भाई नहीं प्लास्टिक का ये प्लास्टिक वाला भी आता है। हाँ, एक बार पूछ लो प्रकाश से वो कैसे बनाता है। स्टार्ट करो प्लेट्स आने दो। हमारे काशिबो का एक ऐसा फूड ब्लॉगर जो फूड के नाम पे बस क्या बताऊँ डर जाता है। अरे भैया ब्लॉगिंग भी करनी होती है, आ जाओ देखो देखो देखो, देखो। स्वागत है काशीपुर के फेमस छोले भटूरों पे, ठीक है। जहाँ पे खड़े हैं भैया हमारे शिवम भैया, ठीक है, गंगाधर छोले भटूरों पे। तो भैया कैसा फील हो रहा है आपको मेरे साथ आके, सौभाग्य प्राप्त हुआ नहीं हुआ? अरे यार एक दर्द खत्म नहीं हो रहे भाई, भैया के भटूरा खत्म हो रहे हैं कि दर्द खत्म नहीं हो रहे हैं? भैया बताइए जरा के मामले में तो खैर काशीपुर में इनसे अच्छे भटूरे कोई नहीं। वही तो कह रहा हूँ, मोस्ट फेमस एंड डिलीशियस भटूरे डाल देगा फिर कोई ये नहीं। विशाल भैया के साथ ज्यादा इंटरेस्ट है और देना आपको भाड़े वाली का तो वहां भटूरे मांगे भटूरे नहीं। इनको रिव्यू देख के बेइज्जती करने के छोले कुलचे की एक नंबर है, कभी भी आओ खाओ भाई। छोले भटूरे खा रहे हैं हम, छोले कुलचे नहीं, छोले भटूरे भगवान। तो थोड़ी कुलचों का जिक्र चल रहा था ना, तो अभी अगली वीडियो आपको हम ये बताने वाले हैं कि काशीपुर में छोले कुलचे बेस्ट कहाँ के। और मतलब पता हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं छोले भटूरे के बारे में, तो भैया कह रहे हैं छोले कुलचे। मार पड़ी है ना बेचारे को, कल होली में लठ मार होली करो यार, कल होली खेलिए लठ मार। देखो ऐसी होली खेलिए, देखो भाई साहब चलने का स्टाइल देखो, ये देखो देख रहे हो चल नहीं पा रहा बंदा, ऐसी होली खेली उन्होंने वाइफ के साथ। तो भैया सतर्क रहें, सावधान रहें और शादी ना करें।